नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रत्येक मनुष्य को नाव के कील यानी कि डोंगे की कील क्यों पहनना चाहिए, ये भी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलते हैं। देखिए मित्रों, नाव के कील शनि दोष से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य पहनना चाहिए। नाव के कील पहनने से भाग्य बदल जाते हैं, किस्मत के ताले खुल जाते हैं, चारों तरफ से धन ही धन प्राप्त होता है, लाभ ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। नाव के कील जब तक आप पहने रहेंगे तब तक माँ लक्ष्मी बंदी होती हैं, ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को साथ नहीं छोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार नाव के कील नाव को बंधन में बांध करके रखती है, अलग नहीं होने देती, पानी में डूबने से बचाता है, ठीक उसी प्रकार साधक को भी कभी भी हानि नहीं पहुँचने देता, अपनी अंदर ले लेता है, स्वयं नष्ट होकर के साधक की रक्षा करते हैं। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, शुक्रवार के दिन अगर आपको नाव के कील मिल जाते हैं जिसे हम डोंगे की कील बोलते हैं, इसे ले आइए, इसका अंगूठी बनवा लीजिए और माँ लक्ष्मी को समर्पित करके इसे आप जो है धारण कर सकते हैं, गंगा जल का छींटे मार करके। तो साधक को हमेशा ये धन प्रदान करता है, धन आने का हर मार्ग को खोल देता है। इसे पहनने से नौकरी व्यवसाय बेरोजगारी दूर होता है। इसे पहनने के बाद साधक धनवान बन जाते हैं। साधक पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती, शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो शुक्रवार के दिन किए जाने वाले कुछ सरल सरल टोटके आए इस वीडियो में जानते हैं। पहले टोटके हैं रोगनाथ होने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमें रोग मुक्त होना है तो इसके लिए कोई टोटका बता दीजिए। तो रोग नाश करने के लिए शक्कर को 7 बार अपने घर सिर से उतार करके चींटी को खिलाया जाए तो रोग का नाश होता है। दूसरा, धन प्राप्ति करने के लिए सफेद गुंजा की जड़ इस प्रकार से होता है, देख लीजिए गुंजा का पौधा, ये अभी दूसरे कलर का है। तो सफ़ेद कलर की जो गुंजा होता है इसके जड़ तिजोरी में रखने से धन की प्राप्ति होती है, घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। वास्तु ठीक करने के लिए घर में नकारात्मकता है, निगेटिविटी इसे समाप्त करने के लिए फिटकरी को पानी में डाल करके अपने घर का पोछा लगाना चाहिए, इससे हमारे घर के वास्तु ठीक रहते हैं। हमने एक वीडियो बनाए थे चकमक पत्थर के बारे में, अगर इसे अपने घर में ला करके स्थापित किया जाए, लक्ष्मी की तरह पूजा किया जाए तो हमारे घर को अन्न धन से भर देते हैं, रोग से मुक्ति प्रदान करते हैं और शत्रु से हमें विजय दिलाता है। अगर आपको बार बार शुक्रवार के दिन किए जाने उपाय बता रहा हूँ, बार बार अगर आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो त्रिशूल वाला लॉकेट शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं, बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। अंतिम फायदा बताने वाला हूँ जो कि शुक्रवार के दिन अवश्य प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अपने बराबर सफेद सूत 7 बार पीपल वृक्ष पर जाकर के बांधना। शुक्रवार के दिन अपने बराबर सफेद कलर के जो सूत होता है जिसे हम कच्चे धागे बोलते हैं, ये 7 बार पीपल वृक्ष पर बांधना है और नेक्स्ट शुक्रवार को इसे निकाल करके थोड़ा सा गंगा जल का छींटे मार करके पहन लेना है। अब इसका मैं बेनिफिट बताना चाहूंगा, इसे धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पग पग में माँ लक्ष्मी सहायता करती है और इसे धारण करने के बाद व्यक्ति की जो मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता होती है वह कंप्यूटर से भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि तीव्र बना देती है और साधक हमेशा अन्न धन से भर जाते हैं। साधक को अगर किसी भी प्रकार की बीमारी भी दूर हो जाती है। तो ये थे शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे उस उपाय को अपने आवश्यकता अनुसार जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।